इस वक्त मैं आरोपी विकास दुबे के घर में ही मौजूद हूं और हमारे साथ उनके घर में काम करने वाली जो महिला है रेखा, वो मौजूद है। उनसे बात करेंगे क्योंकि वो उस वक्त घर में ही मौजूद थी जब आमने सामने गोलियां चलाई जा रही थी। रेखा, आप घर में ही थी जब ये घटना हुई तब? हम सो रही थी। फिर क्या हुआ? हम सो रही जब आवाज सुनी तब फिर मैंने देख के फिर पढ़ रही थी। कितने बजे के आसपास हुआ होगा? अभी ये मैं नहीं मालूम, घड़ी हम नहीं देखी थी। और घर में कौन कौन लोग थे उस समय? घर में कोई नहीं, हम ही है, मेरे पति। आपके पति? मेरे पति पुलिस पकड़ ली गई है। क्या नाम है उनका? कल्लू। अच्छा, वो भी घर में थे उस वक्त? मतलब आप दोनों इसी कमरे में मौजूद थे। और ये विकास और बाकी लोग कहाँ पे थे? वे लोग कोई नहीं घर थे। गोलियां चलने की आवाज आपने सुनी? हुँ। क्या सुना आपने? हल्की हल्की, ये बंद थे तो हल्की हल्की आवाज आई। तब हम निकल देखो, फिर हम अपने फिर पड़ रहे, ये बिट्टी रोन लगी। तो हम फिर पड़ रहे, फिर हम निकली नहीं। जब पुलिस आई, पुलिस ने मारो कूटो, तब हम जानी। तो ये कहा जा रहा है घर में बहुत सारे लोग उस वक्त मौजूद थे? कोई नहीं था, उनके पिताजी हैं। हाँ। और मेरे पति थे और हम, हमारे दोनों ये बच्चा। हाँ। बस। तो गोलियां चलने की आवाज आपने सुनी तो आप बाहर गई? फिर हम बाहर नहीं गई थे। हाँ। नहीं, यहीं तो देख ही लो, तो सो गई पर रही जाए। हाँ। आवाज आई तो हमको पता नहीं कहाँ लड़ाई होने लगी। हाँ। हम फिर अपने सो गए। फिर दोबारा कितने बजे उठी आप? दोबारा जब पुलिस आई 3 बजे। हाँ। ये टोट टार के हम डर के मारे खोले नहीं, खटखटाते रहे तो खोले नहीं, गाड़ी नहीं रहते। तो हम आदमी है, तो आदमी मेरे इनकी सेवा करती है। आप इनके काम यहाँ काम करती हैं घर पे? तो फिर जब तोड़ के अंदर आई गई तब हम कुंडी खोली, तब फिर हमें मारो मारी, फिर बाहर तखत बैठा दो गई, बैठो फिर हम वहीं बैठी रही। और विकास कहाँ है? वो नहीं थे। नहीं, कहा जा रहा है गोली चलाई उन्होंने छत से? नहीं, यहाँ नहीं थे। तो जब ये घटना हुई तो घर पर कौन कौन था आपके हिसाब से? आप, आपके पति कल्लू और विकास के पिताजी? तो मेरे ये दोनों बच्चा बस। तो ये आप जब सुबह उठी तो आपने देखा कि यहाँ पे गोलियां चली हैं, काफी खून बाहर बिखरा पड़ा है? तो ये अंदर नहीं कोई, बाहर है तो हमको नहीं देखो। जब पुलिस मारो तब का बताओ गए इतने मर गए। हाँ। कि तेरे यही है विकास दुबे, हमको ये नहीं है, ये मेरे पति ही है। हाँ। ये तो दादा की सेवा करता है, तो उन्हें ले जाते रहे। ये विकास के घर में काम करने वाली महिला हैं, जिनका ये कहना है कि कल रात में जब गोलियां चलने की आवाज उन्होंने सुनी तो उस वक्त वो इसी कमरे में मौजूद थी। फिलहाल कमरा काफी अस्त व्यस्त है और इनका ये कहना है कि जब गोलियां चलने की आवाज इनको सुनाई पड़ी तो अपने पति कल्लू के साथ ये बाहर आई, और जब आवाज बहुत ज्यादा तेज हुई तो दोबारा ये अपने घर के अंदर चली गई। फिलहाल अब पुलिस ने पूरे घर की सघन छानबीन की है, तलाशी ली गई है, और फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापेमारी भी कर रही हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24।